राशि इस घर में कभी नहीं रही क्या? नहीं विद्या, वो तो शुरू से छोटी दादी के साथ चौल में रही है। और माँ वो कहाँ रहती थी? We don't know. हमें सिर्फ इतना पता वो राजकोट में नहीं थी। अच्छा तो फिर? वो अब्रॉड रहती थी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ? अगर ऐसा है तो पापा ने हमसे ये क्यों कहा था कि वो हमें छोड़कर राधा मासी और राशि के साथ रहने चली गई थी? सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। आपको ये पेड़ याद है? मैंने और दादी ने कितने प्यार से लगाया था ना? बहुत अच्छी तरह से याद है। और ये भी याद है कि इस पेड़ को तुम रोज खुद अपने हाथों से पानी दिया करती थी। जी, हर रोज पानी दिया करती थी, तभी आज इतना बड़ा हो गया। रिश्ते भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं बड़ी दादी। आप दादी को बहुत मिस करती है ना? हाँ दीक्षा, मैं और कोकिला, हम दोनों के बीच कभी देवरानी जेठानी वाली वो बात ही नहीं थी। हम सगी बहनों की तरह रहते थे। पर बड़ी दादी, ऐसा क्या हुआ था कि दादी राशि को लेकर चौल में रहने चली गई? क्या है ना, राशि जब छोटी थी ना तो अक्सर बीमार रहती थी, तो उर्मिला बेन ने कहा कि हम लोग उसका इलाज वैद्य जी से करवाते हैं, और वो वैद्य जी चौल के पास रहते थे, तो कोकिला राशि को लेकर वहाँ चौल में रहने चली गई। पर अब तो वो ठीक है ना, तो फिर अब दादी उसे लेकर यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाती? आना चाहती थी बेटा, उतने में ही उर्मिला बेन की तबीयत खराब हो गई तो रुकना पड़ा। तो फिर माँ भी वहाँ उनके साथ ही रहती थी? उसकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अपना इलाज करवाने गई थी विदेश। क्या बीमारी थी उन्हें? बीमारी वो दिख रहा, इतने साल हो गए ना, बीमारी का नाम मुझे याद नहीं। वो कितने साल तक बीमार थी? उनका इलाज कितने साल तक चला? 2 साल। तो बाकी के 8 साल वो कहाँ थी? वो बीमार 2 साल तक थी, फिर वक्त लगता है ना थोड़ा ठीक होने में। तो फिर उस दौरान वो यहाँ आप लोगों के साथ रहती थी या दादी के साथ चौल में? देखा, दादी की तो उम्र हो गई है, भूल ही गई, मुझे बा को दवाई देनी है, मैं अभी आई। जब भी इस बारे में किसी से पूछती हूँ तो सब बात टाल जाते हैं, क्यों? सबसे अहम और उसकी मॉम के लिए वेट कर रही, अब तक नहीं आए। आज तो कुछ भी कह दो, अहम को कन्विंस कर ही लूंगी कि वो मुझे ये रिंग पहनाए ले और हमारे रिलेशनशिप को मैं एंगेजमेंट के मकाम तक ले ही जाऊंगी। क्या कर रही है आपसे मतलब? अरे वाह वाह वाह, जो तो चापली, मेरी चाली में खड़ी रह के मुझी पर रोक झाड़ रही है। रुक, तारी तो
लोग कौवे को उड़ाने के लिए पत्थर मारते हैं, मैं काबर को उड़ा रही हूँ। जब देखो तब काऊ काऊ करती रहती है, निकल यहाँ से। आई एम वार्निंग यू, कोई है यहाँ पे, प्लीज बचाओ मुझे। ज्यादा चिल्लाई ना तो तेरे मुंह में डाल दूंगी। देखिए दूर रहिए आप मुझसे, दूर रहिए। हम जैसे शरीफ लोग यहाँ रहते हैं, तेरे जैसे पागल नहीं। हाँ पागल मैं हूँ, पागल तो आप है। खुद को तो किसी चीज का होश नहीं होता और दूसरों को पागल बुलाती रहती है। शू बोली तू? ओबिले, 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 शू बोली तुम्हारी? हाँ, आप पागल ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सिरफिरी औरत है, सुना आपने? मानसी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उर्मिला बेन से इस तरह से बात करने की? आंटी जी प्लीज, अब आप ही देखिए, उर्मी आंटी मुझ पे पत्थर फेंक के मार रही है। झूठ बोली चकू की, झूठ बोली की। देखा, सुना आंटी? बस ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, उर्मिला बेन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अहम, जस्ट लुक एट मी, उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। After all this, ये expect करते कि मैं कुछ भी ना कहूँ। मानसी, please relax. देखो मामी जी की बात का बुरा नहीं मान, तुम अंदर जाओ, जाके चेंज करो। नहीं, मुझे अंदर नहीं बाहर जाना है। You know what? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। I know मानसी, लेकिन अपनी हालत तो देखो, कपड़े देखो अपने। कैसी हालत में हम बाहर जाएंगे? पहले जाओ जाके अंदर चेंज करो, फिर हम बाहर चलते। No, it's okay. वैसे भी हमें कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं पास ही चलेंगे। It's okay for me. I just want to spend some time with you. Nothing else. अच्छा चलो ठीक है चलो। अहम, तुम थक गए होंगे, कल चले जाना। अहम, कल क्यों, मुझे आज ही जाना है। हमें कहाँ दूर जाना है, यहीं पास में गली के पास जो चाय की दुकान है ना, वहां तक ही जाकर आ जाएंगे। प्लीज चलो ना। चलो। मानसी जरूर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, मुझे गोपी बहू को सचेत करना होगा। ये सब किसने कहा तुमसे? विद्या ने बताया कि बड़ी माँ ने खुद को राधा मासी और राशि के लिए मीरा और विद्या से दूर कर लिया। मॉम, इज इट ट्रू? क्या सच में बड़ी? बिल्कुल नहीं, सच वही है जो हमने तुम लोगों को बताया है। तो फिर छोटी दादी राशि को लेकर चौल में रहने क्यों चली गई? क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए काकी जी वहां चली गई। और अगर अब तुम दोनों रिपोर्टर्स की छानबीन खत्म हो गई हो तो आप लोग जाकर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। और इस बार तुम दोनों के कॉलेज से तुम्हारे एडिटर तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया, तुम लोग देख लो। और आप, क्या आप मुझे अपने हाथों से बनाकर मसाले वाली चाय दे सकती हैं? जी अभी लाइए। इसका मतलब मेरी प्यारी भतीजी गोपी भाभी के बारे में जानने आई थी। ये बात मानसी जी को तो बतानी होगी। तो स्पेशल चाय देना। बस है, अब बहुत हो गया। आज तुमने गोपी के साथ लगाई हुई शर्त ठीक कर ली। अहम, आप मैं दोबारा फोन कर। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। मानसी, मुझे वो रिंग दिखाएगा और मैं ऐसे बिहेव करूंगी जैसे वो मुझे प्रपोज कर रहा है। What's wrong with you? अहम जी, उस ग्लास में कुछ कुछ था, मैं सच कह रही हूँ।
मैंने खुद देखा है कि मानसी जी ने आपके ग्लास में कुछ मिलाया है। तुम वाकई में ना अनपढ़ और जाहिल हो। ये रिंग मिलाई थी उसमें क्योंकि मैं अहम को अलग स्टाइल से प्रपोज करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरा प्लान सुपर फ्लॉप कर दिया। आज ये हुसने नहीं छोड़ू, तूने मेरी कोकी के नौकर के चाय में कुछ डालकर उसे मारने की कोशिश की। हाँ रुक, मुंह नहीं छोड़ू तूने, ले ले दे जा, पागल, ले आप ले दे जा, बस कीजिए इससे मारने की कोशिश। ठीक हो तुम? हाँ, बट मेरी रिंग तो नहीं। रिंग के ही फाड़ में मासी, तुम अपने हाथ की हालत देखो, चलो जल्दी। अब तुम आराम करो, अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे बुला दो। थैंक यू। किंजल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, आई मीन अ बिग मेस राइट नाउ। मानसी जी, बात क्या है बताइए तो सही। क्या होगा? तुम्हारी गोपी भाभी के इस घर में होते हुए मेरा कोई भी प्लान वर्क नहीं करने वाला। सिर्फ गोपी भाभी ही नहीं बल्कि उनकी बेटी भी, जिसकी वजह से आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। बेटी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है विद्या। विद्या आई थी मोदी भवन में ये जानने के लिए कि 10 साल पहले उसकी गोपी माँ कहाँ थी। What? लेकिन विद्या को ये सब जानने की क्या जरूरत पड़ गई? Exactly. पर आप एक बात अच्छी तरह याद रखें, अगर विद्या को 10 साल पहले की सच्चाई का पता चल गया तो आप तो अपना सब कुछ खो बैठेंगे, क्योंकि वो ये बात जाके मीरा को बताएगी और फिर अहम भाई को अपनी दोनों बेटियों के सामने सच क्या है वो बताना होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने इन दोनों से झूठ बोला है और इसी झूठ की वजह से ये दोनों अपनी गोपी माँ से नफरत करते हैं और आपसे प्यार। यू आर राइट किंजल, ये सब कुछ जानने के बाद व्हाट इफ अगर विद्या ने अहम से गोपी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा एंड हु नोज अहम उसकी बात भी मान ले। करेक्ट, इसलिए अब आपको जो कुछ करना है वो जल्दी करें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ऐसा ना हो कि आप प्लानिंग करती रह जाए और गोपी भाभी जंग जीत जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। क्या हम हमारा मकसद पूरा करने के लिए अब विद्या का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह करेंगे तो उसे रियलाइज भी नहीं होगा। चाहे जो भी हो जाए, अहम के साथ बिताए 10 साल को मैं ऐसे ही देश नहीं होने दूंगी। गुड, आप मैं रखती हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।